फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक। वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाई वी नीड अ लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वी हैड टू लिमिटेशंस, एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक एंड एब्सेंस ऑफ शेयर्ड मेमोरी। इफ वी नीड टू टॉक अबाउट एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक, देन वी नीड लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक। इसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग में दो कंडीशंस हैं। एक है हमारा हैपन बिफोर रिलेशन, हैपन बिफोर रिलेशन इंडिकेटेड बाय एन एरो, एक एरो के माध्यम से शो होता है। इसमें हमने दो इवेंट लिए हैं, एक ए इवेंट है एक बी इवेंट है। अगर हम ये कहते हैं कि ए हैपन बिफोर बी, इसका मतलब है कि ए पहले हुआ है बी से, बी बाद में हुआ है। अगर हम लॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं और दो इम्प्लीमेंटेशन रूल्स हैं। अगर हम पहली कंडीशन की बात करते हैं C1 कंडीशन की, तो हम ये कहेंगे इफ CIA इज लेस देन CIB, यहाँ पर CI क्या है, यहाँ पर CI है आपका लॉजिकल क्लॉक। CIA इज लेस देन CIB का मतलब ये है कि अगर A पहले हुआ है B से तो A का टाइम भी कम होगा B से किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे। दूसरी इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन क्या कहती है, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन ये कहती है इफ प्रोसेस देयर आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, एक आई ले लिया और एक हमने जे ले लिया, और हम ये कह रहे हैं CIA इज लेस देन CJB, इसका मतलब है कि CIA पहले हुआ है यानी कि उसकी क्लॉक वैल्यू कम है CJB से। ऐसी इन दो कंडीशन को हमें मैट करना है लॉजिकल क्लॉक के अंदर। दूसरा हमें क्या करना है, दो इम्प्लीमेंटेशन रूल फॉलोअप करने हैं। अगर हम पहले इम्प्लीमेंटेशन रूल के अकॉर्डिंगली चलें तो हम ये कहेंगे जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था ए हैपन बिफोर बी, हम उसी को लेके चले हैं। इफ ए हैपन बिफोर बी सेम प्रोसेस पे, एक प्रोसेस पे, तो हम ये कहेंगे सी आई बी इक्वल्स टू सी आई ए प्लस डी, जो सी आई ए की जो वैल्यू है उसमें डी एड होके सी आई बी की वैल्यू बन जाती है, और जो हमारा डी है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाई डिफॉल्ट हम उसको वन मानते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो डी इज ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर हम दूसरी इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन की बात करें, दूसरी ये हो रहा है एक प्रोसेस के लिए सी आई आई, दोनों यहां पर मैंने प्रोसेस एक आई प्रोसेस लिया है, एक प्रोसेस के लिए हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन देखें, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन क्या कहती है, सी जे प्लस टी एम प्लस डी, इसका मतलब क्या है कि अगर दो प्रोसेस हैं, दो से ज्यादा प्रोसेस को भी हम फॉलोअप कर सकते हैं। अगर यहां पर हम देखें, अगर हम सी जे की बात कर रहे हैं यानी कि दूसरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो सी जे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ सी जे प्लस टी एम प्लस डी। टी एम क्या है, टी एम है सी आई ए की वैल्यू प्लस डी यानी कि प्लस वन, तो जो भी उसमें से मैक्सिमम होगा पहले वाले प्रोसेस प्लस डी, और जो दूसरे वाले प्रोसेस जिस पे हम वर्क ऑन कर रहे हैं उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सी जे की वैल्यू होगी। अगर हम इस क्लॉक वैल्यूज निकालने के लिए आएंगे तो हम क्लॉक वैल्यूज के लिए बोलेंगे कि हेयर आर टू प्रोसेस, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक का वो होता है स्पेस और ग्लोबल टाइम के बीच में। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमें निकालना क्या है, हमें इन इवेंट्स का लॉजिकल क्लॉक की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक हमारे पास प्रोसेस पी वन है, एक हमारे पास प्रोसेस पी टू है, और इस प्रोसेस पी वन पे कुछ इवेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इस प्रोसेस पी टू पे कुछ इवेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर हम यहां देखें, यहां पर कुछ इनकमिंग एरो हैं। अगर हम इन इनकमिंग एरो के लिए देखें तो हमारा यहां पे E22 से एक इनकमिंग एरो जा रहा है E15 पर। यहां पर हम देखें E12 को देखें तो हमारा एक इनकमिंग एरो जा रहा है E23 पर, एंड सो ऑन, आगे भी कुछ ऐसे वैल्यूज जा रही हैं। तो हमें इन इवेंट्स का वैल्यू निकालनी है, क्लॉक वैल्यूज। तो अगर हम पहले स्टार्टिंग की बात करें तो हम पहले प्रोसेस का पहला इवेंट ले लेंगे, वैल्यू कहां पर चेंज होगी, वैल्यू वहां चेंज होगी जहां पर एक कोई भी एक इनकमिंग एरो आ रहा होगा जिस भी इवेंट पे। बाय डिफॉल्ट हम स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेके चलते हैं, बाय डिफॉल्ट हम स्टार्टिंग वैल्यू लेके चलते हैं। अगर यहां पर कोई इनकमिंग एरो नहीं आ रहा तो बाय डिफॉल्ट हम इवेंट की वैल्यू लेके चलते हैं वन, दैट इज वन। अगर हम आगे प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन रूल तो हम ये कहेंगे प्लस डी, डी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, डी की वैल्यू मैंने बताई थी वन बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन जीरो। अगर हम आगे भी कोई इनकमिंग एज नहीं है तो हम लिख रहे हैं इसको टू, नेक्स्ट वैल्यू इज थ्री, नेक्स्ट वैल्यू इज फोर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक इनकमिंग एज
आ रही है। तो यहाँ पे डेफिनेट सी बात है कि हमारा वैल्यू चेंज होगा, यानी कि हमें इम्प्लीमेंटेशन रूल सेकंड फॉलोअप करना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम इसके बजाय पहले यहाँ पर फोकस करते हैं, यहाँ पर इसकी E12 की वैल्यू क्या होगी। E12 की वैल्यू होगी 1 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इस पर कोई इनकमिंग एज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम E2 की वैल्यू बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई इनकमिंग एज नहीं आ रहा, यहाँ आउटगोइंग एज है, तो इसकी वैल्यू भी रिमेन 2 रहेगी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई इनकमिंग एरो आ रहा है, और अगर हम प्रोसेस P1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक इनकमिंग एरो आ रहा है E22 से। तो अगर हम यहाँ को फोकस करते हैं, अगर इनकमिंग एरो नहीं आ रहा होता तो हमारी वैल्यू क्या होती, हमारी वैल्यू होती 5। इम्प्लीमेंटेशन रूल 2 मैं बता रहा हूँ, 5 वैल्यू होती। अब यहाँ से एक वैल्यू आ रही है 2 प्लस डी, यानी कि 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो अब हम इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस E15 की वैल्यू होगी, दैट इज 5। 3 और 5 में मैक्सिमम 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 रख दिया। अब हम आगे चले, द वैल्यू विल बी 6, देर इज नो इनकमिंग एरो। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से अगर इनकमिंग एरो नहीं आया होता तो वैल्यू आती 3। अब एक एरो आ रहा है ऊपर से, यहाँ पर वैल्यू 2 प्लस डी यानी कि 3। अगेन वी हैव टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 3 की 3 ही है, तो ये 3 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी वैल्यू हो गई 4। यहाँ पर फिर एक इनकमिंग एरो आ रहा है, यानी कि इसमें भी हमें कोई वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। इसमें से देख लेते हैं ऊपर से क्या वैल्यू आ रही है, ऊपर से वैल्यू आ रही है 6 प्लस डी यानी कि 7। नीचे से क्या वैल्यू जा रही है, नीचे से वैल्यू जा रही है, ऊपर से क्या वैल्यू आ रही है, ऊपर से वैल्यू आ रही है 6 प्लस 1 यानी कि 7। तो द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 7। और अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से क्या वैल्यू जा रही है, यहाँ से वैल्यू जा रही है 7, यहाँ से क्या वैल्यू जा रही है 4 प्लस 1 यानी कि डी, 4 प्लस 1 5, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 7। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि क्लॉक वैल्यूज कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन में जो हमारी दो इम्प्लीमेंटेशन रूल थे उसी को हम फॉलोअप करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि पहला इम्प्लीमेंटेशन रूल अगर हम फॉलोअप करें और ए हैपन बिफोर बी है, तो ये जो कंडीशन है इसको हम कह सकते हैं कि ए का टाइम स्टैम्प कम है बी से। लेकिन अगर हम दूसरी इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन की बात करें और सेम एग्जांपल हमने लिया है ए हैपन बिफोर बी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का टाइम स्टैम्प बी से कम है या नहीं। दोनों चीज़ें हैं, मे बी और नॉट, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसका एग्जाम्पल ये है हमारे पास, यहाँ पर हमने पहले एग्जाम्पल में 2 प्रोसेस लिए थे, यहाँ पर हमने 3 प्रोसेस लिए हैं। अगर हम तीनों प्रोसेस को दें तो एक लोकली वर्क कर रहा है, वो हमारा P3 प्रोसेस है, उस पर कोई इनकमिंग एज आ ही नहीं रही है। बाकी अगर हम दोनों को देखें तो दे आर कम्युनिकेटिंग ग्लोबली, ग्लोबल कम्युनिकेशन या कैजुअल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे कुछ इवेंट्स हैं, यहाँ पर हमने वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से जाती 1, ऊपर से आई है, मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी है R2 के हिसाब से 3। तो P1 और P2 के लिए तो हमारी I2 कंडीशन सेटिस्फाई, I2 इम्प्लीमेंटेशन रूल सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर हम P3 की बात करें तो क्लॉक को डिफाइन करना कि E11 पहले हुआ है यानी कि ये कम है E33 से, ये थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक लिमिटेशन है हमारी लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक की। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बात करते हैं, थैंक यू।